हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देसी टिप्स हिंदी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बालों के बारे में है। हमारे बाल में हम किस तरह से नेचुरल तरीके से शाइन ला सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोस्तों, आप देखते रहिए, खूबसूरत चेहरे के साथ बालों में शाइन होना भी ज़रूरी है, इसके बिना सुंदरता की कमी लगती है। आजकल बदलते खान पान के तरीके से लोगों के बालों में बहुत सी समस्या आ गई है, और समस्या में देखें तो जैसे बालों में शाइन न होना, ड्राई हेयर, डैंड्रफ की समस्या, बालों का झड़ना, अन्य समस्या भी है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए लोग मार्केट से कई तरह के शैम्पू, महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हैं, जिनका कोई असर दिखाई नहीं देता, मगर दिखाई देता है तो कुछ वक्त के लिए होता है। ऐसे में आप बड़ी आसानी से अपने घर में जो नारियल का तेल है, और हम ये जो केले की पेस्ट है और ये शहद है, इनकी मदद से हम हमारे बालों में सिर्फ एक ही दिन में किस तरह से शाइन ला सकते हैं, ये मैं आज आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कि हमें किस तरह से क्या करना है। तो दोस्तों, आपको इस तरह का एक पक्का हुआ केला लेना है, और फिर मैंने जो पेस्ट बनाई है आपको चूर करके इस तरह से पेस्ट बना लेनी है। फिर आपको क्या करना है कि इसमें लगभग एक चम्मच शुद्ध देसी शहद का यूज़ करना है। तो हम इसमें एक चम्मच शुद्ध शहद है वो मिलाएंगे इसमें। तो मैंने ये अच्छी तरह से, फिर इसमें जो हमारे घर में नारियल का जो तेल है वो हम इसमें एक चम्मच मिलाना होगा इसमें। तो ये पूरा एक चम्मच मैंने वो भी मिला दिया है। फिर दोस्तों, आपको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर आप ये अपने बालों में यूज़ करेंगे तो आपके बाल में सिर्फ एक दिन में ही बड़ी अच्छी तरह से शाइन आ जाएगी, आपके बाल चमकने लगेंगे, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बालों की झड़ने की समस्या आपको बहुत ज़्यादा हो गई है तो इस पैक से दोस्तों आपको बहुत ही फर्क पड़ने वाला है और आपको बहुत ही फायदा होगा। तो इस तरह से जब ये घुल मिल जाए तब आपको इस पैक को लेके अपने उंगलियों में लेके बालों की जड़ से लेके बहुत ही अच्छी तरह से अपने बालों में लगाना है। तो दोस्तों, इस तरह का पैक लगाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप अपने बालों में लगाते हैं, जब ये सूख जाए तब इसको पानी से साफ कर देना है। मगर किस तरह से करना है, जब आपने लगाया है तब लगभग ये आधा घंटे बाद ये लगभग पेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है। अगर नहीं सूखता है तो आप धूप में भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं, या अगर आपके पास हीट है तो आप अपने बालों में हल्का सा हीट भी कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद अब अपने बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, नॉर्मल वाटर से साफ़ कर लेना है। अगर फिर आप जब साफ कर लेंगे तो आप तुरंत ही देखेंगे कि आपके बालों में हल्की सी शाइनिंग आ गई है। तो इससे दोस्तों काफ़ी फ़र्क पड़ता है ये नुस्खे से। तो दोस्तों, आपको ये लगभग हफ्ते में 2 या 3 बार सिर्फ यूज़ करना है, ये बहुत ही सस्ता और फ़ायदेमंद है। तो ये ज़रूरी नुस्खा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर और बाय।